नमस्कार दोस्तों, आज हम हाथ की दोनों हथेलियों को जोड़कर जो आधा चांद बनता है उसके बारे में जानेंगे। वैसे तो ये बात प्रचलित है कि आधा चांद बने तो जीवन साथी सुंदर होता है, लेकिन चांद ना बने, टेढ़ा मेढ़ा बने, आगे पीछे बने, सीधी रेखा बने तो क्या होता है, आइए जानते हैं। ये बात 90% सही है कि आधा चांद बनने से जीवन साथी खूबसूरत होता है। हाथ हमारे शरीर का आईना है। सिर्फ हाथ देखकर पूरा भविष्य बताया जा सकता है। आइए अब और जानते हैं कि आधा चांद बनने से क्या क्या होता है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ऐसे हाथ जोड़ें, नीचे मणिबंध की रेखाएं भी आपस में मिलनी चाहिए। अब अगर आधा चांद बने तो ऐसे व्यक्ति बहुत आकर्षक होते हैं, खूबसूरत भी होते हैं, एक्टिव और थोड़े शर्मीले होते हैं, जल्दबाज होते हैं लेकिन प्यार का इजहार नहीं कर पाते, पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, नौकरी, तरक्की में आगे होते हैं, सबको एक नज़र से देखते हैं और निस्वार्थ होते हैं, इनके दुश्मन नहीं होते और ससुराल पक्ष से संबंध अच्छा होता है और लोग भी इन पर भरोसा करते हैं, जिनसे इनका काम धंधा अच्छा चलता है, दयालु, हेल्पफुल, तेज दिमाग वाले होते हैं और किसी से नहीं डरते। और दूसरा, जिनके हाथ में सीधी रेखा होती है, ऐसे इंसान सीधे साधे, सरल, किसी भी काम को बड़े आराम से करते हैं, वैवाहिक जीवन सुखी होता है, दयालु और मिलनसार होते हैं, लोग इनका कहा मानते हैं और इन्हें फॉलो भी करते हैं, ये शत्रु पर पलटवार नहीं करते, इसलिए इनके दुश्मन भी कम होते हैं, परोपकारी होते हैं, दूसरों को सलाह देना, जैसे साधु संत, ज्योतिष, टीचर, धर्मगुरु आदि। और तीसरे, जिनकी रेखाएं आपस में नहीं मिलती, ऐसे इंसानों का संबंध अपने से बड़े लोगों के साथ होता है, बड़ी उम्र के लोगों के साथ रिलेशन होते हैं और इनको परवाह नहीं होती कि कोई क्या कह रहा है और लापरवाह होते हैं। टेढ़ा मेढ़ा चांद बने तो ऐसे इंसान मनमौजी होते हैं। अगर रेखाएं थोड़ी आगे पीछे मिलती हों तो ऐसे लोग रोमांटिक और सोशल वर्कर होते हैं, आज़ाद, अग्रेसिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिलेशन को सीरियसली नहीं लेते। प्यार और शादी में व्यक्ति ज़्यादा उम्र वाला भी हो तो परवाह नहीं करते। और जिनका सीधा बनता है, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ऐसे लोग जेंटलमैन होते हैं, थोड़े सेंसिटिव, रिश्तों में स्थिरता और दूसरों की भावनाओं की कदर करते हैं, अच्छे दिमाग वाले होते हैं और दूसरों को सलाह भी अच्छी देते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ इन रेखाओं के नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट के साथ जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।